नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र धमेजा। स्वागत है आपका मेरे चैनल सौभाग्य दीप पर। ज्योतिष और उपाय इस श्रृंखला को लेकर हम चल रहे हैं और आज है हमारी इसमें कड़ी संख्या 16। यह एक पुरुष की जन्मपत्री है। जन्मतिथि है 3/12/2000। पहले जन्मपत्री का विवरण दे देते हैं। वृश्चिक लग्न है, सूर्य और बुध लग्न में। धनु राशि है दूसरे स्थान में, शुक्र और केतु है वहां पर। तीसरा स्थान खाली है। चौथे में कुंभ राशि में चंद्रमा है। पांचवा और छठा स्थान खाली है। सातवें में शनि और गुरु वृष राशि में। आठवें में राहु और नौवां दसवां स्थान में कोई ग्रह नहीं है। ग्यारहवें में कन्या में मंगल और बारहवें स्थान में तुला राशि है, लेकिन कोई ग्रह नहीं है। अब ग्रह स्पष्ट भी देख लेते हैं। लग्न है 20 डिग्री, सूर्य है 17 डिग्री, चंद्रमा है 5 डिग्री, लगभग 5 डिग्री है, और मंगल है 23 डिग्री, बुध है 5 डिग्री, गुरु है 11 डिग्री, शुक्र है 29 डिग्री, 29:53 लगभग 30 डिग्री है, और शनि है 2 डिग्री, राहु 22 डिग्री, केतु 22 डिग्री। इस ग्रह स्थिति के साथ हम इस जन्मपत्री का आपको जो विश्लेषण करके बताते हैं कि कैसे कैसे चलना है। और महादशा चल रही है गुरु ग्रह की। गुरु में गुरु का अंतर है 15/12/2021 तक, और उसके बाद में गुरु में शनि है 27/6/2024 तक। तो देखते हैं, सूर्य और बुध है लग्न में, और सूर्य है 17 डिग्री, बुध है 5 डिग्री, काफ़ी अंतर है। अस्त पूर्णास्त का कोई प्रभाव नहीं है, इसलिए बुद्धि तीव्र है, कोई बुद्धि में कमी नहीं है। शुक्र और केतु धन स्थान में है। शुक्र है 29:53, 29:53 यानी कि 30 डिग्री, 30 डिग्री थोड़ा सा जो अच्छी नहीं मानी जाती है, और यह हमको देखना पड़ेगा। शुक्र है धन स्थान में, यानी कि आर्थिक स्थिति को खराब रखने का योग है। साथ में केतु भी है, केतु अस्थिरता देता है, स्टेबिलिटी नहीं देता है। तो जो यह स्थिति खराब हुई, अब शुक्र स्वामी कहाँ का है? 12वें स्थान का स्वामी है और 7वें स्थान का स्वामी है। 7वां स्थान होता है दोस्ती, दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप। तो इन सब में खराबी देगा। वृद्धावस्था का शुक्र है जो इस स्थान का स्वामी, पापकर्तृ योग में नहीं है, इधर कोई ग्रह नहीं है। तो लेकिन स्वयं वह कुछ भी देने की क्षमता नहीं रखता। और 12वें स्थान का स्वामी है, 12वां स्थान होता है विदेश यात्रा का, या जो मोक्ष स्थान है, व्यय का स्थान है। तो व्यय करने से या विदेश यात्रा से कोई ज़्यादा लाभ मिलने की संभावना नहीं दिखाई देती है। तो भी हम आगे विचार करेंगे कि क्या अन्य परिस्थितियां क्या हैं। और उसके बाद में हमने देखा चंद्रमा है यहाँ पर जो चौथे स्थान में। तो चंद्रमा यहाँ पर दिग्बली होता है, 5 डिग्री है, डिग्री कम है, लेकिन तब भी ठीक है, कोई इसमें ज़्यादा चिंता नहीं है, क्योंकि 0-1 डिग्री या 2 डिग्री तक तो जो बहुत ही कम लाभदायक होता है, या 29 डिग्री 30 डिग्री का होगा तो भी अपना जो बल है वह यह प्रदर्शित नहीं कर पाता। और आगे 7वें स्थान में शनि और गुरु। शनि स्थायित्व देता है, जो भी संबंध बनेगा वो स्थायी रहेगा, परंतु गुरु जहाँ बैठता है वहाँ हानि करता है। जहाँ दृष्टि देता है वहाँ लाभ देता है, अमृत बरसाता है, परंतु जहाँ पर बैठता है वहाँ कष्ट देता है, वहाँ लाभ नहीं देता, धन्यवाद मिलता है, धन नहीं मिलता। तो जो गुरु का यहाँ बैठना शुभ नहीं है। और यहाँ का हमने स्वामी देखा शुक्र 30 डिग्री का है, तो सप्तम स्थान के लिए स्थिति शुभ नहीं है। हालांकि जातक का प्रश्न सप्तम स्थान से संबंधित नहीं है, जो उसको अभी विवाह से संबंधित या जो दाम्पत्य जीवन में, दोस्ती में, इन चीज़ों से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं चाहिए। तो इसका हम विश्लेषण बाद में करेंगे जब पूछा जाएगा। और हालांकि खराब है स्थिति, अच्छी नहीं है, परेशानी आएगी निश्चित है, और उपाय नहीं किया जाएगा तो कोई बचाने वाला नहीं है, भुगतना पड़ेगा। सीधा सा हिसाब है कि या तो आप रास्ता ठीक चुन लो, सही रास्ता अपना लो, बारिश हो रही है तो छाता ले लो,
और नहीं तो गीले होना पड़ेगा, परेशान होना पड़ेगा। आगे अगर गड्ढा है, आप रास्ता बदल लेते हैं तो गड्ढे में गिरने से बच जाएंगे, और आप रास्ता नहीं बदलते, आपको मालूम नहीं है कि गड्ढा है, तो आप गड्ढे में गिरेंगे ही, गिरने के बाद में निकलना पड़ेगा। तो परिस्थिति यह है। खैर, अभी हमारा यह प्रश्न नहीं है। तो आठवें स्थान में राहु है, राहु केतु का प्रभाव, और यहाँ पर है बुध ग्रह की राशि मिथुन, बुध स्वयं लग्न में है, तो अष्टमेश लग्न में है, यानी कि जो एक कष्टदायक ग्रह है, अष्टम स्थान को मार्क स्थान बोला जाता है, मार्केश ग्रह है, वह लग्न में है। लग्न का और मार्केश का संबंध हो गया, यह अच्छा योग नहीं होता, खराब योग माना जाता है, क्योंकि इसमें जातक जो निर्णय लेता है, कभी भी अगर कोई उल्टा निर्णय लेता है तो वह उसको कार्यान्वित करने में झिझकता नहीं, सोचता नहीं, इसलिए इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उसके आगे मंगल है लाभ स्थान में, बुध ग्रह की राशि में, और यहाँ पर कोई मांगलिक योग नहीं बनाता है, और मंगल की डिग्री है 23। बलि है, कोई उससे परवाह नहीं है, तो ठीक है। अब हम देखते हैं कि जातक की समस्या क्या है। 2020 का जन्म, 2000 का जन्म है, और अभी 2021 है, तो 21 साल के लगभग जातक की आयु हुई, तो जातक की समस्या क्या है। समस्या यह है कि शिक्षा से संबंधित, पहले शिक्षा बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन 10वीं क्लास के बाद में व्यवधान आना शुरू हुआ, परेशानी आनी शुरू हुई, उसके आगे रुकावट ही रुकावट है, परेशानी ही परेशानी है, और जो मन नहीं करता पढ़ाई करने के लिए, परेशानी ये है, और उसके बाद में वर्तमान में जातक इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, किसी तरीके से आगे बढ़ा है। अब देखते हैं शिक्षा से संबंधित क्या स्थिति है। जो हम 10वीं 11वीं 12वीं की शिक्षा देखेंगे तो तीसरे स्थान से हम देखते हैं, अगर उससे पहले की, 8वीं से पहले की, 9 10 11 12 यहाँ से हो गई, 8वीं से पहले की शिक्षा दूसरे स्थान से देखेंगे, तो दूसरे स्थान में शुक्र है, केतु है, कभी अच्छी कभी खराब ऐसी शिक्षा चली, लेकिन बुध ग्रह की स्थिति क्या है, शिक्षा के कारक ग्रह की, 5 डिग्री का है, सूर्य के साथ में है, तो खराब नहीं है, बुद्धि ठीक है, स्मरण शक्ति ठीक है, तीव्र है, कोई परेशानी नहीं है, बुध पर केवल शनि की दृष्टि है और गुरु की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है तो आशीर्वाद देती है, यानी कि जो शिक्षा से संबंधित काम होता रहेगा, और जो शनि की दृष्टि है बुध पर, शनि हालांकि मित्र है बुध ग्रह का, परंतु ऐसा जो बालक या विद्यार्थी जब पढ़ने के लिए बैठता है तो शनि उसे आलस्य देता है, ऐसे जातक को पढ़ाई के समय नींद आने लगती है, और उसकी इच्छा यही होती है कि अभी नहीं बाद में पढ़ लूँगा, और यह स्थिति बहुत हानिकारक होती है, तो जातक को इसमें सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसे में जो मैं सलाह देता हूँ जो ऐसे विद्यार्थियों को, उसका एक कारण और भी है सलाह देने का, कि इसमें चंद्रमा के दोनों तरफ कोई ग्रह नहीं है, केमद्रुम योग है, इसकी मैं आगे चर्चा करता हूं, तो जो सलाह देता हूं वह यह है कि कुछ समय बोलकर और खड़े होकर पढ़ें, बोलकर और खड़े होकर पढ़ने से नींद नहीं आएगी, स्मरण शक्ति ठीक है, जो भी ऐसा बच्चा पढ़ेगा वह उसे याद होता चला जाएगा, कोई परेशानी नहीं रहेगी, जब याद होगा तो जो पेपर होंगे उसमें ठीक से लिख सकता है, इसलिए कोई जो इसमें तकलीफ वाली बात नहीं रहेगी। और ऐसे जातक के लिए एक मंत्र है, एम नमः भगवती वद वद वाग देवी स्वाहा, फिर से सुने, एम नमः भगवती वद वद वाग देवी स्वाहा, या मंत्र पाठ नहीं करना है तो ओम हरिं ऐं हरिं ओम सरस्वती नमः, इस मंत्र का हर रोज जाप करें, 108 बार जाप करें, 108 बार नहीं कर सकते तो 21 बार या 11 बार तो जाप कर ही लें, ताकि जो जातक पढ़ाई करता है वह उसकी बुद्धि में जाए, उसकी बुद्धि तीव्र हो और पढ़ने की भी इच्छा रहे। अब देखते हैं आगे
कि जो पढ़ाई जैसे तैसे उसकी हो गई, दसवीं तक पढ़ाई अच्छी थी, अच्छे नंबर आए, उसके बाद में धीरे धीरे जो कम नंबर आने लगे। तीसरे स्थान का स्वामी शनि जो सातवें स्थान में है, वहाँ से अपने स्थान से पांचवें स्थान में है, योग कारक है, कोई खराबी वाली बात नहीं है, इसलिए वह पढ़ाई करेगा, फेल नहीं होगा। नंबर कम आ सकते हैं, नंबर कम इसलिए क्योंकि बुध पर शनि की दृष्टि है, और दूसरा कारण अगला हम भाव देखते हैं, चंद्रमा है वहां पर और चंद्रमा की डिग्री है 5, यानी कि बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है, 10 से 20 डिग्री के बीच में हो तो पावरफुल माना जाता है, परंतु इसके दोनों ओर कोई ग्रह नहीं है, तो यह केमद्रुम योग बनता है। हालांकि जो चंद्रमा पर शनि ग्रह की दृष्टि है, राहु ग्रह की दृष्टि है, तो शनि ग्रह और राहु ग्रह की जब चंद्रमा पर दृष्टि हो तो वह निराशा देते हैं। शनि ग्रह भी निराशा देने वाला ग्रह है और राहु ग्रह भी निराशा देने वाला ग्रह है, तो ये परेशानी देते हैं। ऐसे जातक का मन विचलित रहता है, क्या करना है यह समझ में नहीं आता। वैसे भी चंद्रमा के दोनों तरफ कोई ग्रह नहीं होगा तो कहीं से भी सपोर्ट नहीं होगी। ऐसे आदमी को जो चाहे बड़ा हो या छोटा हो, बालक हो या वृद्ध हो, उसको बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस होता है। जब अकेलापन होगा तो वो अकेला बैठकर चिंतन करेगा, क्या करूं क्या ना करूं, कौन सी पढ़ाई करूं, कौन सा पहले करूं, कौन सा बाद में करूं, और जब परीक्षा का समय भी आता है तब भी वह सोचता रहता है कि पहले कौन से प्रश्न का उत्तर लिखूं, बाद में कौन से प्रश्न का उत्तर लिखूं, क्या करूं, इसी में समय व्यतीत हो जाता है। तो इस स्थिति को ठीक करना पड़ेगा, तभी ऐसा जातक अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता है, अच्छी कर सकता है। और आज का जमाना आप देखें, एक एक नंबर की गणना होती है, और अगर नंबर अच्छे आएंगे तो ही आगे एडमिशन मिलेगा, और नंबर अच्छे होंगे तो ही अच्छी नौकरी मिलेगी और अच्छी बुद्धि बनेगी या अच्छा व्यवसाय कर सकेगा। तो अब नौकरी और व्यवसाय की भी मैं चर्चा करूंगा इसमें आगे। तो पहले यह है, जब चंद्रमा केमद्रुम योग में है तो ऐसे जातक के लिए आवश्यक है केमद्रुम योग शांति लॉकेट धारण करना, ताकि चंद्रमा को बल मिले। एक ग्रह इधर हो, एक ग्रह इधर हो, ऐसी हम कल्पना करें केमद्रुम योग शांति लॉकेट धारण करने के हिसाब से। और इसमें कौन सा करना है, केमद्रुम शांति लॉकेट कई तरीके से बनते हैं, जो इसमें चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है और सूर्य पर शनि की दृष्टि है, यह पितृदोष को, ग्रहण दोष को भी इंगित करता है। इसलिए हमें केमद्रुम शांति लॉकेट वह धारण करना चाहिए जो ग्रहण दोष को नष्ट कर सके, जो पितृदोष को भी जो कम से कम उसका प्रभाव कर सके। तो ऐसे में विष्णु कवच, विष्णु केमद्रुम लॉकेट, यह लाभदायक होगा ऐसे जातक के लिए, और इससे उसको आजीवन शांति भी मिलेगी, मानसिक शांति। उसका जो चौथे स्थान में चंद्रमा है, यहाँ पर जो दिग्बली है, और माता का सुख भी मिलेगा, घर का सुख भी मिलेगा, अकेलापन महसूस नहीं होगा, जीवन में कुछ ना कुछ कर सकेगा। अभी उसकी पढ़ाई की जो आयु है तो पढ़ाई भी कर सकेगा, आगे जब नौकरी में कहीं जाएगा, इंटरव्यू देगा, तो वहाँ भी जो उसको बोलना है वह बोल सकेगा, दुविधा में नहीं रहेगा। केमद्रुम योग दुविधा देता है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि ऐसा व्यक्ति सोचता रहता है क्या जवाब दूं, जितनी देर में वह सोचता है उतनी देर में गाड़ी निकल जाती है। तो जो दुविधा वाली स्थिति खत्म करने के लिए केमद्रुम योग शांति लॉकेट धारण करना आवश्यक है ऐसे व्यक्ति के लिए, समझ लें। अब हम आगे चर्चा करेंगे, थोड़ी सी चर्चा और वह है इसमें पढ़ाई के बाद में जातक सीधा सीधा जाता है नौकरी या व्यवसाय के लिए। इसमें देखते हैं, नौकरी या व्यवसाय के लिए दसम स्थान सबसे महत्वपूर्ण है, भाग्यस्थान भी चाहिए, लग्नेश भी चाहिए, सारी चीज़ें देखनी हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण दसम स्थान है। यहाँ पर दसवें सूर्य लग्न में है, लग्नेश मंगल 11वें स्थान में है। जब 11वां स्थान लाभ का भाव है, ऐसा व्यक्ति हमेशा अपने लाभ की चिंता करता है, किसी भी तरीके से उसे लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए, कम मेहनत करके ज़्यादा लाभ मिलना चाहिए। वह लाभ यहाँ रुकावट आ रही है उस लाभ की कामना में,
तो वो उपाय कर लिया। इसके बाद में हम देखते हैं 10 मेष सूर्य, जो लग्न में है, सूर्य की डिग्री 17 है, बली है, कोई उससे तकलीफ वाली बात नहीं है, अपनी मित्र राशि में है वहां भी अच्छा है, वृश्चिक राशि में। तो जब 10 मेष लग्न में होता है तो आदमी अपनी मर्जी से काम करता है, यानी कि जैसी उसकी इच्छा होगी वह काम करेगा, उसे अपने काम पर ज्यादा भरोसा होता है, अपने जो काम करने का स्टाइल है तो वो उसे वही ठीक लगता है, और ऐसे व्यक्ति के लिए नौकरी करना लाभदायक होता है। वह इसलिए कि उसका जो ये स्टाइल है दशमेश लग्न में होने के कारण कि हर टाइम अपनी जेब में इस्तीफा, यानी कि काम छोड़ देने की इच्छा या काम छोड़ देने की धमकी, जो काम पसंद नहीं आएगा ऐसा व्यक्ति नहीं करेगा, मना कर देगा, मुझे नहीं करना, ये रखिए आप अपना जो काम, मुझे नहीं करना। अगर ऐसा व्यक्ति अपना व्यवसाय करता है तो कितनी बार परिवर्तन करेगा, कोई भी व्यवसाय में जब परिवर्तन करता है तो उसके पिछले सारे संपर्क खत्म हो जाते हैं, पिछली सारी मेहनत बेकार हो जाती है, नए सिरे से व्यवसाय करेगा, नए सिरे से सब कुछ जमाएगा, लाभदायक नहीं है। ऐसे व्यक्ति को व्यवसाय नहीं करना चाहिए, और अपना व्यवसाय करता भी है तो तब करना चाहिए जब उसे बहुत ज़्यादा अनुभव हो जाए कि मुझे क्या काम करना है, किस काम में मैं कामयाब हो सकता हूँ। तो जो सूर्य है यहाँ का स्वामी, तो और साथ में बुध है, ऐसा आदमी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, इंजीनियरिंग उसके लिए ठीक है, लाभदायक है, उसी फील्ड में उसको नौकरी मिल जाएगी, और नौकरी करना ही लाभदायक है क्योंकि एक कंपनी छोड़कर दूसरी में जाता है तो संभव है कुछ ना कुछ उसे ज़्यादा लाभ मिले, उसके अनुभव के आधार पर लाभ मिले। तो जब अनुभव के आधार पर लाभ मिलेगा और बार बार उसकी परिवर्तन करने की इच्छा होगी और अकड़ कर काम करेगा और अपनी पूरी जिम्मेवारी से काम करेगा तो संभव है हर बार उसे तनख्वाह में जो कुछ न कुछ तरक्की मिले। इसलिए यह स्थिति जो कुछ मायनों में हानिकारक है और कुछ मामलों में लाभदायक भी है, तो ऐसे व्यक्ति को सीधा सीधा नौकरी ही करनी चाहिए, और उसे नौकरी मिल सकती है, अच्छी नौकरी मिल सकती है, बशर्ते कि उसका जो आत्मविश्वास बढ़े, केमद्रुम शांति लाकर धारण करें। और इसके अलावा जो दशा चल रही है गुरु में, गुरु ग्रह की दशा है, दशा उसके लिए लाभदायक है, कोई इसमें परेशानी नहीं है। उसके आगे गुरु में शनि की दशा चलेगी और वह दशा विचलित करने वाली होगी क्योंकि शनि इस लग्न में लाभदायक श्रेणी में नहीं आता। वृश्चिक लग्न का स्वामी मंगल और इधर से जो अंतरदशा का स्वामी शनि आपस में मित्र नहीं है, इसलिए इसमें अधिक लाभ मिलने की संभावना नहीं है। और शनि और मंगल की स्थिति जो गुरु और शनि की स्थिति देखनी पड़ेगी हमको, गुरु और शनि साथ साथ बैठे हुए हैं सप्तम स्थान में, इसलिए जो यह बहुत अधिक अच्छा लाभ तो नहीं देंगे, परंतु कोई खराब बात नहीं है, नौकरी मिल जाएगी, बहुत अच्छी नहीं मिलेगी, नॉर्मल मिल जाएगी, सिंपली शर्त इतनी सी है कि उपाय करना है, और जब शनि की दशा आएगी तो शनि के लिए भी दान दक्षिणा करनी है, वृश्चिक लग्न में शनि की दान दक्षिणा करना लाभदायक होता है। जो वृश्चिक लग्न है इसमें मंगल, सूर्य, चंद्रमा और गुरु, इन ग्रहों से संबंधित दान ना करें। दान करना है तो शुक्र और शनि और बुध, इन ग्रहों से संबंधित दान करें क्योंकि ये ग्रह इस जन्मपत्री में अकारक हैं, लाभदायक नहीं हैं, अशुभ प्रभाव देने वाले हैं। तो कुल मिलाकर हमने स्थिति यह देखी कि शिक्षा में परेशानी क्यों है, बहुत तीव्र बुद्धि है परंतु जो नंबर कम आ रहे हैं, रुचि नहीं है, बार बार मन विचलित हो जाता है, उसका सीधा सा उपाय मंत्र बता दिया, और ये बता दिया आपको इसका केमद्रुम लाकेट और शनि ग्रह का दान। शनिवार को शनि मंदिर में जाएं, नारियल चढ़ाएं और वहीं छोड़ दें, वापिस नहीं लाएं, तेल का दीपक जलाएं और शनि ग्रह का मंत्र पाठ करें,
ओम प्राम प्रीम प्रोम सह सनिश्चराय नमः। जितना कर सकें, जितना संभव हो सके उतना करें, जो काले तिल चढ़ाएं और जो भी आप चढ़ा सकते हैं काली दाल चढ़ाएं, बैगर्स को रोटी बांटें, रोटी और अचार बांटें या बिस्किट बांटें या चेंज बांटें, पैसा बांटें, जो भी आप जितना कर सकें संभव है वो करें। जूते दान कर सकते हैं, छाता दान कर सकते हैं, शनिवार वाले दिन जितने दिन संभव हो उतना कर सकते हैं। और कुछ भी ऐसा दान दक्षिणा संभव नहीं हो तो कम से कम पीपल पर जाकर जल चढ़ाएं, तो इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा, शांति मिलेगी, जीवन में प्रगति मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अब जो इस जातक के बारे में हमने बता दिया, यदि आप भी कुछ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में अपना जो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ या लिखें, थोड़ा सा समस्या का विवरण दें ताकि उस समस्या का हम पूरा समाधान आपको बता सकें। समस्या का विवरण नहीं देंगे तो भी हम बता सकते हैं, बिल्कुल सीधा और सिंपल जो स्थिति है कि ऐसे आदमी की क्या समस्या हो सकती है और किस आयु में। तो जो शर्त केवल इतनी है कि जो भी हम जो विवरण आपको देंगे उसमें खाली आपकी जन्म तिथि रहेगी, जन्म समय, नाम, जन्म स्थान, इसका हम विवरण YouTube पर अपलोड नहीं करेंगे क्योंकि इससे प्राइवेसी भंग होती है। आपको अपनी जन्म तिथि के अनुसार ही समझ जाना पड़ेगा, या आपको जन्मपत्री मालूम होगी कि आपका यह लग्न है, यह ग्रह यहाँ है, तो इसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपकी कौन सी जन्मपत्री है। तो आप जो आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि ज्योतिष विद्या का प्रचार प्रसार और इस बिल्कुल सिंपल जो उपाय करने की पद्धति का प्रचार प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।